गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू चेक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर क्लास 5th चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन. कंप्यूटर आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यूज फॉर रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स, बैंक, businesses, weather forecasting and many other uses. Like you can use computer at your home, at business places, and many of the times you can use computer at various offices. You have also seen the computer used at your nearby places. Computer term derived from a Latin word computer. जैसा कि हम सब जानते हैं, computer आज के डेट में हमारे आपके जीवन का एक हिस्सा हो चुका है. हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है. जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल रेलवे के टिकट्स निकालने के लिए होते हैं, एयरपोर्ट के टिकट, एयरप्लेन के टिकट्स लेने के लिए होते हैं, और बिजनेसेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है डेटा इंटीग्रेशन के लिए, बहुत सारे डेटा को रखने के लिए. वेदर फॉरकास्टिंग में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है कि कैसे क्या टेम्परेचर है इसके बारे में बताने के लिए. कंप्यूटर शब्द जो है एक लैटिन शब्द से लिया गया है. इस लैटिन शब्द का नाम था कंप्यूटर. तो जिस शब्द के बारे में इतनी बात हो रही है, तो हम चेक करते हैं कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूज़र, प्रोसेस द डेटा फ्रॉम परफॉर्मिंग बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन ऑन इट, जनरेट अ डिज़ायर आउटपुट. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा लेता है यूज़र के द्वारा, उस डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उस पर वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करके उस डेटा के हिसाब से आपको आउटपुट देता है. वहीं बात करें कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो कंप्यूटर एक हाई स्पीड डिवाइस है. यानी कि कंप्यूटर कोई भी काम बहुत तेज़ी से करता है. कंप्यूटर एक्यूरेसी के साथ काम करता है. एक्यूरेट डेटा जो भी आप इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करके आपके सामने दे देगा. कंप्यूटर बहुत डिलीजेंस डिवाइस है, यानी वो थकता नहीं है. आप 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा कंप्यूटर पे काम करें, कंप्यूटर नहीं थकेगा, आप थक जाओगे. कंप्यूटर इज़ अ वर्साटाइल डिवाइस. कंप्यूटर एक वर्साटाइल डिवाइस है. कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. जितनी ज़्यादा आप स्टोरेज मेमोरी यूज़ करेंगे, उतनी उसकी कैपेसिटी होती है. अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर के पास रिमेम्बरिंग क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है. पावर ऑफ रिमेम्बरिंग है कंप्यूटर के पास. कंप्यूटर का अपना कोई IQ नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर यूज़र के इंस्ट्रक्शन पर निर्भर करता है. कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं है. कंप्यूटर डोंट अंडरस्टैंड एनी फीलिंग्स. जैसे जैसे समय के साथ बढ़ा, वैसे वैसे कंप्यूटर और एडवांस होते गए. इसी चीज़ को हम कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर इवॉल्व फ्रॉम लार्ज साइज कैलकुलेटिंग मशीन टू स्मॉलर बट मोर पावरफुल मशीन. समय के साथ पहले कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, एक एक कमरे में फिट होते थे. धीरे धीरे समय के साथ आज कंप्यूटर पोर्टेबल हो गए हैं, लैपटॉप हो गए हैं, उससे भी स्मार्टफोन्स आ गए हैं. तो ये जो जनरेशन चेंज हुआ है एक बड़े कमरे से आपके लैपटॉप तक के, इसको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर क्लासिफाइड ऑन वेरियस टाइप्स, वेरियस पॉइंट्स, लाइक टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कंप्यूटर बना है इस पॉइंट पर भी निर्भर करता है. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस कंप्यूटर के, ये भी निर्भर करता है. फिज़िकल अपीयरेंस क्या है, ये भी निर्भर करता है. और उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ये भी निर्भर करता है. आइए देखते हैं इसके बेसिस पे कंप्यूटर जनरेशंस क्या क्या थे. तो 1940 से लेके 1956 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हुआ करता था. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 टू 1963. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 टू 1971. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 टू प्रेजेंट टाइम. आज के समय में जो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है मैक्सिमम 4th जनरेशन कंप्यूटर हैं, और कुछ स्मार्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं. स्मार्ट कंप्यूटर्स हैं वो 5th जनरेशन कंप्यूटर के कैटेगरी में आते हैं. ये तो हो गई पीरियड, टाइम पीरियड. अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी की, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था. ये बहुत बल्की साइज़ के होते थे. मशीन लेवल का इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, वेरी लार्ज साइज ऑफ डेटा. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था.
ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल होने के साथ साथ जो आप इसमें प्रोग्राम्स लिखते थे वो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखते थे। एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दीज आर स्मॉलर इन साइज़, वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में छोटे होते थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में अगर मैं बात करूँ तो ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स के द्वारा। इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी स्मॉल सिलिकॉन आईसीज़ होते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ थर्ड जनरेशन में और ये और छोटे हो गए। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस यूज़ होने लगे, VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी, यानी मोर देन हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर कैन बी प्लेस ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप एंड न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर राइजिंग। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में नए तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आने लगे। MS-DOS और विंडोज़ उस समय तेज़ी से काम करने लगा। आज भी आप विंडोज़ पे काम करते हैं, एडवांस वर्जन पे काम करते हैं। और ये एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन उस कंपेरिजन में बहुत स्मॉल हुआ करते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यानी कि सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जहाँ पे बहुत सारी इंसान की लिमिटेशंस ख़त्म करके आसान बना दिया जाता है बहुत छोटा साइज़ में। सुपर लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट यानी बहुत एडवांस एप्लीकेशंस के लिए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कस्टमाइज़ किया जाएगा। टेक्नोलॉजी हमेशा नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। अगर बात करें एप्लीकेशंस की तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एप्लीकेशन साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में सिर्फ कॉमर्शियल करने अगर जाते सेकंड जनरेशन कंप्यूटर तो ये बहुत कॉस्टली होता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर चूँकि इसका कॉस्ट कम था इसलिए मास इसको एक्सेस कर सकती थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर वाइडली कॉमर्शियल क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत कम है। अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूनिवैक, यूनिएक, इडवैक तीन तरह के कंप्यूटर इस्तेमाल होते थे, यूनिवैक, इनिएक एंड इडवैक। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के मॉडल्स में अगर मैं बात करूँ PDP-8, IBM 1401, CDC 1604। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में IBM 370, PDP-11। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में Intel 4004 एंड Macintosh। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल बेस कंप्यूटर का एग्जांपल आप दे सकते हैं। अगर मैं कहूँ टाइम ऑफ ऑपरेशंस की तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मेनली सेकंड्स में काम करते थे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर माइक्रो सेकंड्स में काम करते थे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर नैनो सेकंड्स में काम करते थे एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर वर्किंग इन पीको सेकंड्स। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर उससे भी कम समय लेंगे, यानी कि समय के साथ कंप्यूटर एडवांस होता चला गया। थैंक यू सो मच। हियर वी एंड विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 5। यू विल बी गेटिंग योर PDF एक्सरसाइज अलॉन्ग विद दिस लिंक। डाउनलोड दैट एक्सरसाइज एंड राइट डाउन ऑन योर फेयर नोटबुक एंड यू कैन फील द कंप्यूटर बुक। थैंक यू सो मच।